देख रहे हैं हुजूर, ये उस अलेक्जेंडर का कारनामा है। कल के लड़के ने क्रानिकस के किनारे लड़ी गई जंग फतेह कर ली है और हम पर अगले हमले के लिए कुछ भी कर चुका है। फारस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है मॉशियस, और एक फतेह या एक शिकस्त इस मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। हम फारस पहुंच चुके हैं, हम फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे और उस लड़के को उसकी गुस्ताखी की सजा जरूर देंगे। आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आप अलेक्जेंडर से जंग खुद नहीं लड़ेंगे? अलेक्जेंडर अभी बच्चा है, मुझसे जंग करने की उसकी हैसियत नहीं। उसके लिए तो मेरे सिपहसालार ही काफी है। ये पुरु का वचन है राजकुमारी पारसी, जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तुमने मुझे वादा किया था पुरु कि मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। अब तुम्हें अपना वादा निभाने आना ही होगा पुरु। तो डरा है। अलेक्जेंडर हेलिकार्निकस पहुंच चुका है, किसी भी वक्त शहर पर हमला हो सकता है हुजूर। ये कैसे मुमकिन है? इतनी जल्दी अलेक्जेंडर हेलिकार्निकस कैसे पहुंच सकता है? यही बात तो अलेक्जेंडर को खास बनाती है हुजूर। दूसरे शहंशाहों की तरह एक जीत के बाद अलेक्जेंडर आराम नहीं फरमाता। क्रानिकस की फतेह के फौरन बाद अलेक्जेंडर हेलिकार्निकस के लिए निकल गया हुजूर। हमारी फौज को अगली जंग की तैयारी का वक्त भी नहीं मिला। क्रानिकस की नदी का तरंग तो लाल हो ही गया है हुजूर, कहीं ऐसा ना हो हेलिकार्निकस का समंदर भी अपना रंग बदल दे। क्रानिकस पर उस लड़के की फतेह उसकी किस्मत थी, मगर अगर उसे लगता है कि वो फारस पर हुकूमत कर सकता है तो ये उसकी भूल है। इसका सिला हम उसे जरूर देंगे। मॉशियस, फौरन हमारी बाकी की फौज को समंदर के रास्ते से हेलिकार्निकस भेज दो। शहर में मौजूद लड़ाके और किनारे से आती फारसी फौज के बीच चक्की के दो पातों के बीच पिस जाएगा ये अलेक्जेंडर। फौरन हुक्म की तावील हो,